संयुक्त अरब अमीरात के सफल दौरे के बाद स्वदेश लौटे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, दुबई के निवेशकों का नवंबर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में रहेगा इंतजार। राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए सराहनीय प्रयास कर रही है सरकार, पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा, करोड़ों रुपए के निवेश का मार्ग प्रशस्त करने का हो रहा है प्रयास। प्रदेश भर में बंद पड़ी एचआरटीसी बसों को जल्द चलाने को लेकर मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, निगम को रोजाना सरकार को देनी होगी रिपोर्ट। सफाई व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए नाहन नगर परिषद ने की एक और पहल, शहर में घर घर जाकर कूड़े के लिए बांटे जा रहे हैं बैग। हर हाथ को काम मुहिम के तहत जिला बिलासपुर के कैदियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण, बेकरी सहित शॉल, पट्टू, तौलियों और अन्य उत्पाद बनाकर अपनी आर्थिकी सुधार रहे हैं कैदी। कुल्लू में बीती रात अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार, कार में सवार 3 लोगों की मौत। मंडी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने हिमाचल को जीरो एक्सीडेंट स्टेट बनाने के लिए लोगों से मिलकर प्रयास करने का किया आग्रह, वाहन चालकों से की अपनी सुरक्षा के लिए यातायात नियमों के पालन की अपील। हिमाचल में तैयार होंगे इटली में मिलने वाले सेब के पौधे, बागवानी विभाग कर रहा है पौधों के विकास पर काम। प्रदेश के मैदानी इलाकों सहित अन्य भागों में उमस भरी गर्मी का दौर जारी, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कुछ क्षेत्रों में वर्षा व हिमपात की जताई संभावना। प्रदेश भर में बंद पड़ी पथ परिवहन निगम की, अरे यार इतना कौन लिखता है।